जानो बिलीव वन एक को मानो बी वन एक हो जाओ। धन निरंकार ताऊ जी, धन निरंकार भाई भरतू आ जा। अरे ताऊ, यू के सांग बना रखा सा या टाई साई और या अंग्रेजी? अरे भरतू, हमने क्या कबीरा था, हम तो गांव के गुवार थे भाई। इस सतगुरु ने कृपा कर दी के पंजाबी, के गुजराती, के मराठी सारी भाषाएं सिखाई दी भाई, और अंग्रेजी की तो के बुझे भाई, सतगुरु ने कति कमाल कर दिया। बर्मिंगम का इंटरनेशनल समागम देखा था इंटरनेट पे भाई, कति जी सा आ गया, मन ने तो अंग्रेजी संगत में भी जाना शुरू कर दिया। हरी इस मास्टर जी दोरे मने ट्यूशन भी रख ली से, और तुम भी भाई अपने बालका ने इंग्लिश मीडियम संगत में जरूर भेजा करो। या तो मेरा कतिये पक्की जचगी से, इस युग में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान गणा जरूरी से। अरे भरतू, न्यू तो बता, यू बैग ठा के कित की तैयारी से? ताऊ जी, मेरा यू ध्यान से दिल्ली समागम करके ओड़े ते सीधे मुंबई समागम में चलेंगे। भाई मुंबई समागम का तो इबे गणा टाइम से। बस ताऊ, अपनी बैलगाड़ी में चलेंगे और 2 महीने में तो पहुँच ही जावांगे। इतनी दूर बैलगाड़ी में कोनी, रेलगाड़ी में या हवाई जहाज में चल लेंगे। दादाजी, मेरी बेटी। दादाजी, हम भी गुरु वंदना में चल लेंगे और उड़े ठुमक ठुमक के बाबा जी ने खुश करेंगे। हाँ बेटा, हाँ चलो भाई, चलो सारे गुरु वंदना करेंगे, चलो रे। बन गया जोता कोटा।
खुशियां दा दिन आ गया हूं मलो मल्ली सारे जांदे मुस्काई खुशियां दा दिन आ गया अज मौका खुशियां दा भी सारे रल के खुशी मनाइए गुरु बंदना होइए जिक्र के जिंदगी सफल बनाइए रहमत खूब लटाउंदा है साडा साहिब सरब व्यापी रब दा मेल कराउंदा है साडा साहिब सरब व्यापी रब दा मेल कराउंदा है साडा साहिब सरब व्यापी रब दा मेल कराउंदा है साडा साहिब सरब व्यापी रब दा मेल कराउंदा है सखी सैया खूब ही कमात है महंगाई डायन खाए जात है महंगाई का जमाना है भाई इसकी बहुत जरूरत है ये ज्यादा दिन चलेगा तभी हमारा घर चलेगा OMG मतलब ओ माई गैस दुनिया में 7 अजूबे देखना हर कोई चाहता है लेकिन 7वां सिलेंडर देखना कोई नहीं चाहता गो, 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 गोविंदा यहाँ गोविंदा कौन है मैं ही हूँ गोविंदा मैं भगवान हूँ डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ गए नहीं मेरा नाम भगवान है ठीक है मैं इंक्वायरी करने आया हूँ तुम्हारे पास मुर्गे हैं हाँ है उन्हें क्या खिलाते हो उन्हें क्या खिलाऊंगा महंगाई का जमाना है कूड़ा कड़कट खा लेते हैं वैसे भी पालक पनीर खिला के कहा सोने के अंडे देने वाले हैं
बीमार पड़ गए तो? हाँ, एक मुर्गी बीमार पड़ गई थी, दूसरे मुर्गी की वजह से वो बच गई। वो कैसे? उस मुर्गी को सूप पिलाया, वो बच गई, जिसका पिलाया वो मर गई। मैं पशु पंछी संवर्धन अधिकारी हूँ और तुम्हारी इस गैर जिम्मेदारी के लिए तुम्हारी इस पोल्ट्री फार्म को ताला लगा के जा रहा हूँ। सुनो भगवान, सुनो ए, ए भगवान, इस भगवान ने मुझे बर्बाद कर दिया, भगवान ने बर्बाद कर दिया, ये तो अधर्म है। मैंने पढ़ा है जब जब होय धर्म की हानि, बाड़े असुर महा अभिमानी, तब तब राम मनुष्य तन धरही, भगत हेतु लीला बहु करी, मुझे बचाने तुम्हें आना पड़ेगा भगवान, आना पड़ेगा। मैंने भगवान परम पिता को बुलाया था, ये माता कहाँ से आ गई? एनीवे माता, माता, आई एम नॉट माता, आई एम साउथ अफ्रीकन मार्था। माता, तुझे हिंदी नहीं आता? थोड़ा थोड़ा आता है, मैंने हिंदी फिल्म देखा है। कौन सा? काला पत्थर, कालिया, काला सोना, काले चरण। इसके तो सचमुच काले चरण है। मैं साउथ अफ्रीका से आई, मेरा नाम मार्था मंडेला। मंडे को पैदा हुई थी क्या? हाँ। संडे को पैदा होती तो क्या नाम होता? संडेला। ये 100 रुपए ले लो। इसका क्या करूं? जाके अंडेला। अरे अंडे कहाँ से लाऊं? मेरी पोल्ट्री फार्म को ताला लगा है। ओह, कितनी प्यारी प्यारी मुर्गी है, इसे क्या खिलाते हो? अभी इसको क्या बताऊं? मैं किसी को कुछ नहीं खिलाता, सबको एक एक रुपया देता हूँ और कहता हूँ जाओ जाके खा के आओ, वो जाती और कुछ भी खा के आती है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। उससे क्या होता है, वो भगवान मेरे पोल्ट्री फार्म को ताला लगा के गया। भगवान? ओह माय गॉड, मैं उसी को ढूंढने को इधर आया। आया नहीं, आई। ओह सॉरी, आई। तुम मेरे को गॉड दिखाने में मदद करेगा तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपीज देगी। एक बात बताओ मार्था जी, आप भगवान को ढूंढने इंडिया में क्यों आई? क्योंकि 25 दिसंबर 2012 आ रहा है और माया कैलेंडर के मुताबिक 25 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर मैं भगवान को कैसे देखूंगी? ओह माय गॉड। कल की सोच रही हो? यहाँ तो पल का पता नहीं, अगर तू कल मर जाएगी तो तेरी दुनिया उधर ही खत्म हो जाएगी, तुम्हें दुनिया खत्म होने की राह भी नहीं देखनी पड़ेगी। You are right, you are smart guy. मैं गाय नहीं, मैं बैल हूँ। क्या? मेरा मतलब गाय तो गौशाला में होती है। मेरा मतलब तुमको इतना सब कुछ कैसे मालूम है? मैंने सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा, 1 साल सब पढ़ा। फिर क्या हुआ? 1 साल बाद मैं अस्पताल की खटिया पर जाके पढ़ा, अस्पताल की दीवार पर स्लोगन लिखा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। लवली, माय गॉड। ये मैंने पढ़ा तब मुझे लगा ये पहले पढ़ लिया था तो सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तुमने इतना पढ़ा, तुमको तो भगवान का पता मालूम होगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता, जैसे पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, वैसे बिन पानी पिए कुछ नहीं होता। ओह माय गॉड, ये गॉड कहाँ मिलेगा? मैंने पढ़ा है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो जहाँ अंधेर नहीं वैसी जगह देखो। कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ लोड शेडिंग चल रही है, कभी भी लाइट जाती है, इसलिए मैंने मेरे बीवी का नाम बिजली रखा था। कोई पूछेगा तो कहूंगा मेरे घर में तो बिजली है, लेकिन वो भी रूट कर मैके चली गई। सोचो सोचो कौन सी जगह है जहाँ अंधेरा नहीं है। आज भगवान का उत्सव है, वहाँ बहुत रोशनाई है, वहाँ अंधेरा नहीं, वहाँ भगवान होगा, क्योंकि वहाँ भक्त भी है और जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान होते हैं। तुमको कैसे पता? मैंने पढ़ा है। और वहाँ भगवान के पास रहने वाले चतुर्वेदी जी है। तो चलो वहाँ। हाँ, ये चतुर्वेदी जी है, भगवान का सब कुछ यही करते हैं, और चतुर्वेदी जी भक्ति में भी चतुराई करते हैं।
देखो इनके चेहरे पे शांति है, और जहाँ शांति होती है वहाँ भगवान होते हैं। मेरे जैसा कोई भगवान का भगत नहीं, फिर भी मेरे पास शांति नहीं। क्यों? वो भगवान के पास चली गई मेरी बीवी शांति। आप कब जाएंगे? हाँ, मेरा जल्दी जाने का भी विचार नहीं। इनका मतलब है ये लाखों रुपए देंगे अगर इन्हें भगवान दिखाई दिया तो। मेरे को भगवान रियल दिखेगा तो ही मैं मनी दूंगी। भगवान ऐसे थोड़े ही दिखते हैं, उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। आपको दिखे क्या? नहीं। तो आप भी श्रद्धावान नहीं? चुप बैठ मूर्ख। ज्ञानी को कभी क्रोध नहीं आता। चुप बैठ, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। मैं शराब पीता नहीं। तुम मूर्खों के पीछे मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं? मैं चला जाता हूँ। ओह, बिल्ली ने रास्ता काटा, अब तो दिन भी खराब जाएगा। तुम्हारा के बिल्ली का ये? हम खगाठ मिला ही नहीं। मैं परेशान मत होइए, हमें भगवान वही मिलेगा जहाँ पूरे श्रद्धा से भक्ति से भगवान का नाम लिया जा रहा हो। रखे राम तुझको अल्लाह रखे। दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा। के नाम तुझको अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, क्या भक्ति भाव से भगवान का नाम लिए जा रहा है। और मैंने पढ़ा है जिसके पास नाम धन है उसके पास भगवान है। भाई साहब आपका नाम क्या है? रामधन। आपके पास नाम धन है? हाँ है, नाम लेके ही धन कमा रहा हूँ। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे, गॉड के नाम पे दे दे। तो तुम मानते हो अल्लाह गॉड राम एक है? हाँ, सबका मालिक एक है। जो मुझे भीख देगा वही बंदा नेक है। आपके पास क्या है, कैश है कि चेक है? कैश है। आपका पैर भगवान ने ले लिया, फिर भी भगवान पर विश्वास है? भगवान ने नहीं लिया पैर, धंधे के लिए करना पड़ता है। पहले अंधा बनता था तो लोग नकली नोट डालते थे, इसलिए लंगड़ा बनता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ।